तो गाइस गाइस जैसे कि हम सब यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके साथ में जो एक्ट टू कार्ड होता है, मतलब कोई वीडियो का अंदर में हम जो बताता हूँ भाई इस वीडियो को देखना है तो आई बटन में जाओ, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो एंड स्क्रीन या मान लो एक्ट टू कार्ड, एंड स्क्रीन कैसे एड करना है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप लोग एंड स्क्रीन यूज नहीं करते हो तो ये डेफिनेटली यूज करना। और दोस्तों आ जाता है बात, ये जो एक्ट टू कार्ड होता है तो इसको यूज करने का सही तरीका कौन सा है, कैसे यूज करना है। पहले जो एक्ट टू कार्ड यूज किया जाता था वो अभी चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों का भी नया फीचर आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी यूट्यूब में जैसे ही वीडियो अपलोड करेगी, वीडियो में आप एक्ट टू कार्ड यूज करेगी तो उसमें आप लोग को नया फीचर देखने को मिल जाएगा। वो क्या फीचर किस तरह अभी देखने को मिलेगा सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। उसके बाद आप एक्ट टू कार्ड अगर आप लोग भी यूज करते हो, वीडियो कैसे यूज करना है, यूज करने का तरीका क्या है, मैं सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं हूं पूरी तरह से, आप देख रहे हो एसकेटेक ऑनलाइन, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है साथ साथ मोटिवेशन वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में नए हैं तो प्लीज यार चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना, एक सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा या कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में है भाई जब सब्सक्राइब मारो। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली बात यह जाता है, हम लोग जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं ऐसे नए जो क्रिएटर होता है उन लोगों को पता नहीं होता है भाई यूट्यूब में जस्ट वीडियो बना लिया अपलोड कर दिया उसमें एक्ट टू कार्ड कहाँ यूज करूँ या एंड स्क्रीन कहाँ कैसे यूज किया जाता है, कैसे एंड स्क्रीन को लगाया जाता है या एक्ट टू कार्ड को लगाया जाता है। इन्हें क्रिएटर बहुत सारा है जो लोग सोचते हैं भाई आई बटन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है या मानो एंड स्क्रीन क्या है, इस सारा कुछ पता नहीं होता है। तो इसके लिए ऑलरेडी पूरा वीडियो आप लोगों को मेरा चैनल में मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। एक्ट टू कार्ड क्या होता है, तो एक्ट टू कार्ड जो होता है गाइस हम लोग का वीडियो में अगर एक्ट टू कार्ड का यूज करो, मानो हम लोग का जो भी वीडियो वायरल हो चुका है, मतलब लोग का जो भी वीडियो में पार्ट मानो इंक्रीज हो रहा है, तो उस वीडियो में अगर आप एंड स्क्रीन में यूज करोगे या एक्ट टू कार्ड में जो वीडियो में कम व्यूअर्स आ रहा है, मतलब उस वीडियो में ज्यादा वायरल नहीं हो रहा है उस वीडियो, तो जो वीडियो ज्यादा वायरल हो गया उस वीडियो का एंड स्क्रीन बोलो या एड टू कार्ड में अब उस वीडियो को रख सकते हो, उसमें व्यूअर्स इंक्रीज होने का चांस 99% आप लोगों को चांस रहता है एंड स्क्रीन या एड टू कार्ड में यूज करने से। तो कैसे एंड स्क्रीन तो हो गया, एंड स्क्रीन कैसे यूज करना है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, मैं पहले भी बता दिया। उसके बाद कैसे आ जाता है एड टू कार्ड कैसे इस्तेमाल करे, आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ ताकि सभी ज्यादातर जो क्रिएटर होता है अपने स्मार्टफोन से एडिटिंग करता है, स्मार्टफोन से शूट करता है, स्मार्टफोन से सभी सारा कुछ काम जो होता है यूट्यूब का सारा कुछ काम स्मार्टफोन से करता है, इसीलिए मैं आप लोगों को स्मार्टफोन से दिखा रहा हूँ। तो क्या होता था, हम लोग जस्ट क्रोम ब्राउजर में जाके डिस्टर्ब मूड करके यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लेने के बाद जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उस वीडियो को पब्लिश नहीं किया हूँ, अनलिस्टेड रखा हूँ, उसके बाद मैं उसको टाइटल डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, टैग डालता हूँ, सब कुछ जितना फीचर होता है सब डालने के बाद में एंड स्क्रीन और एड टू कार्ड का दो ऑप्शन आ जाता है। तो एंड स्क्रीन में जैसे यूज करोगे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, उसमें आप एंड स्क्रीन मिनिमम जो है 4 लगा सकते हो, लगाने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप टू कार्ड फीचर में जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपको न्यू टैब में ओपन करेगा, मतलब पॉपअप विंडो ओपन नहीं होगा और एक न्यू टैब में ओपन करेगा, उसमें आप इजीली जो भी वीडियो आप डालना चाहते हो, मिनिमम आप 4 वीडियो डाल सकते हो, जो भी वीडियो आप जितना टाइम एडजस्ट करके डालना चाहते हो डाल सकते हो। लेकिन अभी क्या होगा, अभी अगर आप कोई भी ब्राउजर में जाओगे, जाने के बाद आपका जो भी चैनल है उसको लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आपका जस्ट जो भी वीडियो में आप एड टू कार्ड यूज करना चाहते हो उस वीडियो को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ओपन करोगे आपको साइड में एंड स्क्रीन या एड टू कार्ड ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको एड टू कार्ड ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन होने के बाद नीचे में कुछ देख सकते हो, इसका डिजाइन भी पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो गया है। तो नीचे में आपको पूरा वीडियो आपको शो करेगा, उससे नीचे में बीच में एक लाइन आपको शो करेगा, उस लाइन को आपको उसी टाइम में लेके जाना है जिस टाइम में आप वीडियो रखना चाहते हो। मानो आप फास्ट में भी एक वीडियो रखना चाहते हो, फास्ट में ऐसे ही तो लाइन रहता है, तो आपको ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है वीडियो प्लेलिस्ट चैनल और लिंक, पहले 5 फीचर दिखता था, अभी आप लोगों को 4 फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे फुल ऑप्शन था वो उसको हटा दिया यूट्यूब से, तो ये 4 फीचर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप वीडियो डालना चाहते हो वीडियो डाल सकते हो, प्लेलिस्ट डाल सकते हो, चैनल का लिंक भी डाल सकते हो या अदर्स लिंक कोई भी डाल सकते हो। तो वीडियो में आप क्लिक करने के बाद आपका वीडियो आ जाएगा, जो भी वीडियो आप डालना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 पेज मिल जाएगा जिसमें आप कुछ मैसेज भी डाल सकते हो जो कस्टमर को शो करेगा। मतलब हम लोग पहले जो फीचर था उसमें वीडियो अपलोड करने के बाद हमारा जो भी वीडियो का टाइटल है उस वीडियो सिर्फ शो करता है आई बटन में, मतलब कोई टाइम में वीडियो जो टाइम में मैं सेव करके रखा हूँ उस टाइम जब आएगा
करेगा उस टाइम में मेरा वीडियो का टाइटल शो करेगा, लेकिन अभी क्या होगा आप जो भी मैसेज टाइप करके रखोगे उसी मैसेज शो करेगा, लेकिन आपका वीडियो का टाइटल जो है वो टाइटल सही रहेगा, जो बंदा क्लिक करेगा तब उसको वीडियो का ओरिजिनल टाइटल है वो शो करेगा। लेकिन आई बटन में जाने के से पहले जो भी टाइम में आप वीडियो को सेव करके रखोगे उसी टाइम में आई बटन में जस्ट आप जो भी मैसेज टाइप करके रखोगे उसी मैसेज शो करेगा, एक बढ़िया एक फीचर है। उसके बाद में अगर आप और भी वीडियो डालना चाहते हो तो उसके लिए उस लाइन को आपको उसी टाइम में लेके जाना है जिस टाइम में आप वीडियो डालना चाहते हो, उसी टाइम में लेके जाने के बाद आपको प्लस आइकन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आपको वीडियो या प्लेलिस्ट चैनल सिलेक्ट कर लेना है, कर लेने के बाद आप इजिली डाल सकते हो, ये है सही तरीका। उसके बाद टू कार्ट का जो ये नया फीचर है एक बहुत अच्छा फीचर है, आप लोग यूज कर सकते हो। अगर अभी तक अपना वीडियो में एंड स्क्रीन यूज नहीं करते हो या टू कार्ड यूज नहीं करते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली यूज करना है। अगर आप लोगों को दूसरा कोई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में जाओ, जल्दी कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए तो प्लीज यार चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है ब्रो, क्योंकि बिल्कुल फ्री में जाओ दबाओ। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।